हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ऑडियो बोर्ड ऑल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों तो मेरे दोस्तों आज की वीडियो कुछ खास होने वाला है और खासकर हमारे कारपेंटर भाइयों के लिए होने वाला है। जो अगर आप नहीं जानते होंगे स्टैंडर्ड बॉक्स की सेटिंग के बारे में, तो आज की वीडियो में इसको हम आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे। जो आपको यहाँ लोगो दिख रहा है, ये लोगो किचन की है दोस्तों, जिसमें इस तरह का लोगो जो आप देख रहे हैं इसे हम स्टैंडर्ड बॉक्स बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो शुरू करने से दोस्तों पहले हम आप इसका कुछ क्वालिटी जान लीजिए, जिसमें लाइफ टाइम वारंटी करके दिया हुआ है दोस्तों इस कंपनी ने। और इसके नीचे आप देख पा रहे होंगे इसका कैपेसिटी लोड जो है दोस्तों, लोड कैपेसिटी 35 kg तक इसमें दिया हुआ है। और इसका जो भी इन्फॉर्मेशन है इसमें दिया हुआ है दोस्तों। जैसे आप इसको परचेस करेंगे तो आप इसको देख लेंगे कि भाई इसका कैपेसिटी क्या है और इसका क्या और काम है। तो इसका कंपनी का ब्रांड है दोस्तों, कुछ इसको CNR करके दिया हुआ है दोस्तों इस कंपनी का। थ्रॉप करके दिखा देते हैं, जैसे देख सकते हैं मार्केट बाय इसमें लिखा हुआ है CNR कंपनी है दोस्तों ये। ठीक है दोस्तों, इसको आज के वीडियो में अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको पूरा रिव्यू करके दिखाएंगे दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और हमारे दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलिएगा। पहली बार आए हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो आज का वीडियो कुछ अलग क्यों है, क्योंकि इसको जो है हम कारपेंटर भाइयों के लिए, और ओ माई गॉड ये तो डैमेज निकला दोस्तों। पर कोई बात नहीं, इसको ओपन करके पहले देखते हैं इसमें कि ये डैमेज आया इनसाइड से आउटसाइड से दोस्तों। तो दोस्तों घबराने की बात कुछ नहीं है, ये डैमेज हुआ है, पर फिर भी आप अगर परचेस करते हैं तो अनबॉक्सिंग करने का टाइम आप देख लीजिए, ताकि आपको भी इस तरह का डैमेज प्रोडक्ट ना मिल पाए। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं दोस्तों इसका क्या क्या दिया है इसके अंदर में पहले। ठीक है, और ये डैमेज था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एडजस्ट हो जाएगा, इनसाइड नहीं है, आउटसाइड की तरफ चला जाएगा। जैसे पार्टीशन आता है पार्टीशन की तरफ ये चला जाएगा, डैमेज है, डैमेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। इसमें हम 8 इंच का परचेस किए थे, तो देखिए इसमें खास तो एक पहले मिल गया जिसका लेंथ सेम है पर इसका चौड़ाई 8 इंच पूरा दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, और दूसरा क्या देखते हैं दोस्तों इसमें, दूसरा ये आपका बैक पैनल, जो आपका बैक पैनल कसेंगे उसके लिए है। ठीक है, और ये देखते हैं रनर है दोस्तों, ये रनर तो सेम ही रनर है जो पहले से आप लोगों को कारपेंटर भाइयों को पता होगा कि ये रनर सेम ही है, देखने से ही आपको मालूम हो गया होगा आप कारपेंटर का काम करते हैं तो। और इसमें देखते हैं दोस्तों और क्या है, लोग इसमें और कुछ दिया हुआ है, ये मैनुअल बुक है दोस्तों। हाँ ये मैनुअल बुक है, आप अगर पढ़े लिखे होंगे तो आपको तो पता है दोस्तों, हम तो मूर्ख लोगों के लिए ज़्यादातर वीडियो बनाता हूँ, जो पढ़ा लिखा ना हो वो हमारे वीडियो को देख कर अच्छी तरह से समझे, और बिना पढ़े लिखे भी हमारे वीडियो को देख कर अपना हेल्प कर पाए। ठीक है दोस्तों, तो आपके लिए ये खास वीडियो, आप पढ़े लिखे नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, मेरे वीडियो में बने रहिए शुरू से अंत तक, और आपको हम एक एक पीस को दिखाते रहेंगे दोस्तों कि कैसे कैसे सेटिंग करना है। ठीक है दोस्तों, दूसरा और देखते हैं इसके अंदर और क्या है। ये एक और हमारा रनर है दोस्तों, जो लेफ्ट और राइट साइड में आता है दोस्तों, जो कि ठीक है, ये तो अच्छा है, कोई तरह का डैमेज इसमें नहीं है, ये दूसरा हमारा ओके है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसको भी साइड में रखते हैं, और इसको साइड में रखने के बाद में देख लेते हैं इसके अंदर और क्या क्या मिल रहा है हमको। ठीक है दोस्तों, तो ये और क्या है, ये तो देख सकते हैं, इसको फ्रंट पैनल कसने के लिए दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में पूरा आपको हम बताएंगे, वीडियो में बने रहिए, और इसको अंदर और क्या क्या मिल रहा है देख लेते हैं सर। देखिए इसके अंदर और क्या है, और तो पूरा खाली हो गया, और ये क्या है, एक कैप है दोस्तों, जो ये कैप है दोस्तों ये हमको एंड में लगाना है, जब इसको पूरा फिटिंग हो जाएगा उसके बाद। ठीक है दोस्तों, जो यहाँ पर हमको पूरा फिटिंग होने के बाद इसको इस तरह से हमको फिक्स कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो उसका पूरा वीडियो अगला वीडियो में बताऊंगा, इस वीडियो में सिर्फ अनबॉक्सिंग करके ही दिखा देता हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, तो अभी इसमें हम इसको थोड़ा बहुत आपको रिव्यू कर देते हैं कि इसको कैसे कैसे फिट करना है। ठीक है, और आप कन्फ्यूज होते हैं तो हमको कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, मैं आपको रिप्लाई भी दूंगा। और हमारा जो अगला वीडियो आने वाला है, तो सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसको यहाँ से रूटिंग करके लाएंगे, यहाँ तक पुश करेंगे। ठीक है, आने के बाद में एंड यहाँ पर कर देंगे, तो ये हमारा एक साइड का हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से है इसको घुसाना। देखिए अभी इसको अंदर डाल रहा हूँ, इस तरह से पुश करके मैं डाल दिया अंदर। ठीक है, तो यहाँ हमारा डल गया है, यहाँ जो बैक पैनल हम लोग पलाई कसेंगे वो होगा, और यहाँ पर हमारा जो बैक लगेगा वो होगा। ठीक है दोस्तों, सेम प्रोसेस है, दूसरे चैनल पे लगा देंगे। ठीक है, और दूसरा पे देख लेते हैं, ये हमारा है दोस्तों फ्रंट। और बहुत काफ़ी लोगों को क्या कन्फ्यूज होता है, भैया नया फिटिंग है तो उसको कैसे करेंगे, तो आप घबराइए मत दोस्तों, हमारे चैनल के साथ बने रहिए। जो आप लोगों देख पा रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, ऊपर के लिए दिया हुआ है, जैसे आप चैनल फिट करेंगे तो ऊपर की तरफ रखना है। ठीक है, जैसे कि आपको दिखाने की थोड़ा कोशिश करता हूँ,
मैं एक हाथ से कैमरा लिया हूँ, एक हाथ से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा आपको तकलीफ हो रहा होगा देखने के लिए, कैमरा मेरा ज़्यादा हिल रहा है, तो इसलिए माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि मैं अकेला अभी वीडियो को शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको इस तरह से रखेंगे तो हमारा ये जो लोगो दिया हुआ है ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ रख के यहाँ पर रख के उसको पुश कर देना है, ठीक है। इस तरह से पुश करेंगे, इसमें फ्रंट पैनल जो कसेंगे दोस्तों उसके लिए दिया हुआ है, बहुत ही कंफर्टेबल दिया हुआ है हमारा कंपनी, और ये कंपनी बहुत ही मस्त दिया हुआ है। जो स्क्रू का जो देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रू कसना है, ठीक है, इस जगह पे आपको 4 स्क्रू लग जाएंगे, बहुत अच्छा कंफर्टेबल होगा ये, जो हमारा पहले आता था 4 इंच का, इसमें 4 इंच नहीं 8 इंच का ऑर्डर किया तो 8 इंच पूरा आया है। अभी अंदर करने के बाद इसको बाहर कैसे करेंगे उसके लिए थोड़ा दिखा देता हूँ। इस तरह से रूटिंग करेंगे लेफ्ट साइड की तरफ, तो ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसको पकड़ के बाहर खींच सकते हैं, जैसे हमारा फ्रंट पैनल कसना होगा उसमें इसको निकालेंगे, ठीक है। अब आती है बड़ी इसको चैनल के, चैनल हमने दोस्तों इसको दो धागा अंदर करके कसा है, ठीक है। दो धागा अंदर करके कसने से क्या होगा दोस्तों, इसको फिटिंग करना है अंदर बाहर किसी हिसाब से जो हमको करना होता है उस टाइम में हमको ये काम आएगा। अगर उस बराबर कस देते हैं तो अंदर बाहर करने में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आपका स्क्रू फेल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जो होल दिया हुआ है ये एडजस्टिंग के लिए दिया हुआ है, आपको पूरा फिटिंग होने के बाद आप इसको फुल कर सकते हैं, जैसे दोनों तरफ में भी सेम प्रोसेस होगा, ठीक है। इस तरफ भी सेम आप इसी तरह से इसको फिट कर लेंगे, ठीक है, जो आपको एक साइड दिखाया आपको, ठीक है, दो साइड अंदर करके, ठीक है। और सिंपली आप क्या करेंगे, इसका जो हम फिटिंग आपको करके दिखाए हैं उसको, वो इसके वो रनर के ऊपर रख के थोड़ा सा पुश करेंगे। सॉरी दोस्तों, मैं एक हाथ से कर रहा हूँ इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा दिखने में भी, ठीक है। इसको इस तरह से कर देंगे, पुश कर देंगे तो ये फिट हो जाएगा, हमारा राइट साइड का कंप्लीट हो गया, देख रहे हैं। इस तरह से ओपन करेंगे और थोड़ा पुश कर देंगे तो ये सॉफ्ट क्लोजिंग इसमें ऑलरेडी रहता है दोस्तों, ठीक है, जैसे ये सॉफ्ट क्लोजिंग हो जाएगा, क्लोज हो गया ये, ठीक है। एक राइट साइड सेम है, तो इसी तरह से लेफ्ट साइड में भी आपको करना है, ठीक है। और अगला प्रोसेस होता है हमारा इसको बैक कसने का, तो बैक कसेंगे उस टाइम में आपको क्या करना है, इसका जो चैनल का गैप दिया हुआ है जिसमें आपको इसका मेजर का कोई गारंटी नहीं है, आपके पास छोटा बड़ा भी हो सकता है, इससे यहाँ से लेकर के आपको मेजर करना है इस राइट साइड वाले चैनल तक, इस गैप के अंदर, ठीक है। इस गैप के अंदर ही आपको पैनल काटना है प्लाईबोर्ड में और इसको फिट करना है। तो ये जो साइज़ मैं दिखा हूँ इसका कोई ये नहीं है, लेकिन ये साइज़ आपको फिक्स करना है। ये जो साइज़ दिखा रहा हूँ, दूसरा हमारे पास में जो चैनल आता था उसमें आता था 19 इंची का, इसमें आप देख सकते हैं, हम आपको इंची में किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अब ज़्यादातर लोग इंच में ही देखते हैं, वो जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो लोग इंच में ही ज़्यादातर देखते हैं, इसलिए मैं एमएम में नहीं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। 19 इंची 3 धागा का इसमें आया है, ठीक है दोस्तों। तो इसको इस तरह से ओपन करने कैसे है आपको मैं बता दिया था पहले भी, फिर भी आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ से लेफ्ट साइड में आप स्क्रू ड्राइवर घुमाएंगे तो आपको ये बाहर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आपको बाहर ले लेना है, और बाहर करके आपको इसको फ्रंट पैनल जब कसेंगे तब हम इसको ओपन करेंगे, फिलहाल तो नहीं कर रहे हैं इसलिए हम उसको पुश करके अंदर डाल दिए, ठीक है। जब आप फ्रंट कसेंगे तब आप इसको बाहर में निकालिएगा, ठीक है। तो ये आपको दिखा दिया मैं थोड़ा बोलने में हिचकिच हो रहा हूँ दोस्तों, इसलिए माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। यहाँ से आपको एक बैक पैनल काटना है, जो आपको दो धागा कम होगा, नीचे साइड जो काटेंगे इसका उससे थोड़ा दो धागा कम होगा, जो ये काटेंगे ना इससे दो धागा उसका साइज कम आएगा, चाहे आपका जो भी साइज आया होगा, ठीक है। उसके बाद फ्रंट कसेंगे, ठीक है दोस्तों। फ्रंट कसने के बाद ये जो वीडियो है हमारा बहुत ही जल्द आने वाला है, इसका सेकेंड पार्ट बहुत ही जल्द आएगा दोस्तों, ठीक है। और ऊपर लिंक जो दिया हूँ आई बटन में दोस्तों, ऊपर जो लिंक दिया हुआ आई बटन में दोस्तों, उसको भी आप हैं तो देख सकते हैं, उसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हमारे कारपेंटर भाई से ये निवेदन है, प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दिया हूँ, उसे भी चाहे तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद जय भारत।